जय हिंद स्टूडेंट, वेलकम बैक टू अनाज अकेडमी एजुकेशन। उम्मीद है आप लोग सब ठीक होंगे और सेफ होंगे। तो आज हम देखने वाले हैं हमारे हिंदी युवक भारती, जो कि 11th क्लास का है। इसका छट्टा आपको दिया गया है कलम का सिपाही, जो कि प्रेमचंद पर केंद्रित रेडियो रूपक है। ठीक है, इसके लेखक है डॉक्टर सुनील केशव देवधर। तो आज हम इसका स्वाध्याय देखने वाले हैं। जितने भी क्वेश्चन दिए गए सारे क्वेश्चन के हम लोग आंसर देखेंगे, और ये हमारे महाराष्ट्र बोर्ड के सिलेबस का है। ठीक है, तो अगर प्लीज़ चैनल पर नए हैं, यानी कि अनाज अकेडमी पर नए हैं, प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। रेड वाला जो बटन है उसको क्लिक कर दीजिए। ठीक है, प्लीज़ क्या कीजिए आप लोग। ओके, चलिए आज हम इसका स्टार्ट करते हैं स्वाध्याय। पहला क्वेश्चन आपको आकलन से दिया गया है। पहला है, लिखिए अ है, प्रेमचंद का व्यक्तित्व अधिक विकसित होता है जब। तो पहला आंसर लिखेंगे, वह विनम्र मध्य वर्ग और कृषक वर्ग का चित्रण करते हुए अपने कृषक युग की प्रतिगामी शक्तियों का विरोध करते हैं। दूसरा लिखेंगे, वे एक श्रेष्ठ विचारक और समाज सुधारक के रूप में प्रकट या साध्य होते हैं। ठीक है, इसका आंसर लिख लीजिए। दूसरा क्वेश्चन है, आ प्रेमचंद लिखित निम्नलिखित रचनाओं का वर्गीकरण कीजिए। देखो यहाँ पर आपको कुछ दिए गए हैं, तो यहाँ पे उनकी रचनाएं हैं और हमको आपको बताना है कि कौन कहानी और कौन उनके उपन्यास है, यानी दोनों में आपको डिवाइड कर देना है। ये जो आपको इस, एक सेकेंड, पूरा गंदा कर दिया ना मैंने, एक सेकेंड, ये देखो यहाँ पे दिया है ना, इसको तो इनको आपको डिवाइड कर देना है कि कौन कहानी है और कौन उपन्यास है इसमें। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। कहानी वाला जो है बॉक्स, उसमें लिखेंगे कफन, बूढ़ी काकी, नमक का दारोगा। ठीक है, और जो उपन्यास है उसमें लिखेंगे प्रतिज्ञा, गोदान, रंगभूमि, सेवा सदन और निर्मला। ठीक है, ये आपके आंसर से लिख लीजिए। ई क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित पात्रों की विशेषताएं। पात्रों का मतलब होता है कि, है ना, आप कहीं पे देखे होंगे, आप मूवीज वगैरह देखते हो ना, तो आप बोलते हो कि एक्टर है, ये हीरोइन है, उसकी माँ, तो मतलब इसको पात्र बोला जाता है कि एक नाटक है उसके अलग अलग जो कैरेक्टर होते हैं ना, उसको पात्र कहा जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे होरी दिया गया था पहला, तो उसका लिखेंगे यहाँ पर, आपको आंसर में बता देती हूँ, आप लोग लिख लीजिएगा। ठीक है, ये रहा। ओके, मैं इसको, ठीक है, हाईलाइट कर दी। होरी प्रेमचंद जी के द्वारा रचित व्यज्ञात उपन्यास गोदान का मुख्य पात्र है। वे जीवन के अनेक संघर्षों का सामना करने वालों एक साधारण किसान की प्रतिनिधित्व करता है, जो भूख, बीमारी, उपेक्षा और मौत से लड़ता रहा। होरी जीवन भर मेहनत करता है, अनेक कष्ट सहता है, बहुत कम उम्र में ही वे वृद्ध दिखाई देता है। होरी महाजनों के कुर शोषण चक्र में फंसा हुआ है, उस पर धर्म, नैतिकता, संस्कारों और आदर्शों का गहरा दबाव है। वे परंपराओं, रूढ़ियों और धार्मिक कृतियों का शिकार है। तो ये इसका आंसर है, आप लोग लिख लीजिए। ओके ओके, आप दूसरे का देखेंगे हम लोग। दूसरा दिया गया था आपको, ओलीपी दिन, तो इसका आंसर लिखेंगे आप लोग। यहाँ पे देखो मैंने हाईलाइट कर दिया, आप लोग लिख लीजिए। लिखा हुआ है ओलीपिदन। ओलीपिदन प्रेमचंद जी द्वारा लिखित बहुचर्चित कहानी नमक का दरोगा का एक पात्र है, जो अपने इलाके का प्रभावशाली जमींदार है, समाज में उसका बोलबाला है, विधान का उपासक है, हमेशा रिश्वत देकर अपने कालाबाजारी के काम निकलवाता है। उसका मानना है कि लक्ष्मी के आगे सब कमज़ोर है। अच्छा, आप लोगों से ना मेरा एक सवाल है कि देखो, गलत नहीं समझना, ठीक है, यहाँ पर जो बोला गया लक्ष्मी के आगे सब कमज़ोर है, क्या वाकई ये दुनिया में सारी चीज़ें दौलत ही होती है? नहीं, ऐसा कभी नहीं समझना। दुनिया की सबसे बड़ी चीज़ होती है आपका नॉलेज। आप जो पढ़ते हो ना, वो आपकी सबसे बड़ी चीज़ होती है। जिसके पास नॉलेज है, जिसके पास ज्ञान है ना, उससे बड़ा कोई नहीं है। ठीक है, लक्ष्मी भी उसके आगे नहीं। सरस्वती जी को हम मानते क्यों? क्योंकि वो हमारी जो हमारी पुस्तक होती है उनके लिए, है ना। लक्ष्मी जी धन की होती है, तो आप लोग समझ रहे हो ना। तो आप लोग किसको मानते हो? आप लोग हमेशा नहीं बताना, नॉलेज बड़ा या धन, ठीक है, कमेंट सेक्शन में लिख के बताना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तीसरा आपको दिया गया है वंशीधर, तो इसका आंसर लिखेंगे आप लोग। वंशीधर एक साधारण निम्न मध्य वर्गीय परिवार का एक युवक है। वो ब्रिटिश शासन में पुलिस महकमे का एक ईमानदार और कर्तव्य प्रायण अधिकारी और एक प्रतिष्ठित पद पर कार्यरत है। वह रिश्वत और चापलूसी से घृणा करता है। घृणा का मतलब होता है नफरत। ठीक है, वंशीधर नामक एक अवैध कारोबार से के सिलसिले में ओलोपी धन की गिरफ्तार करने में जरा भी नहीं हिचकता, भले ही वह उसके परिणाम स्वरूप उसकी अपनी नौकरी से हाथ धोना पड़ता है।
अब आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया गया है शब्द संपदा से, ठीक है। दूसरा है, निम्नलिखित भिन्नार्थक शब्दों के अर्थ लिखिए, यानी कि आपको ये भिन्नार्थक शब्द दिए गए, इनके ना आपको अर्थ बताने, यानी कि इसकी मीनिंग बताने। देखो कभी कभी ना एक वर्ड की जो रहते हैं ना, उसमें खाली वर्ड आपका जो प्रोनाउंसिएशन सेम रहता है, वर्ड में लेटर अलग अलग रहते हैं, है ना, तो प्रोनाउंसिएशन सेम रहता है, फिर उनकी मीनिंग भी अलग अलग होती है। तो उसी तरह यहाँ पे भिन्नार्थक शब्द आपको दिए गए। अगर आपको नहीं पता है, अगर ये जो भी समझाऊँ नहीं समझाए, तो डोंट वरी, मैं ना आपको एक स्पेशल वीडियो भिन्नार्थक शब्द पे बना दूंगी, ताकि आपको लिखने में आगे कोई प्रॉब्लम ना हो। ओके, बट आपको मेरे को सपोर्ट भी तो करना पड़ेगा। आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए, और आप लोग कमेंट में बोलिए, तभी बनाऊंगी ना, ठीक है। तो चलिए मैं आपको इसके आंसर्स बता देती हूँ। तो पहला आपको दिया गया था अपध्यय, इसका लिखेंगे यहाँ पर संतान, और दूसरा है अपथ्य, तो लिखेंगे अहितकर यहाँ पर, ठीक है। आपको यहाँ पे बॉक्स बना के मैं सारे आंसर्स आपको दिखा दे रही हूँ, डोंट वरी, आराम से लिख लीजिएगा वीडियो को पॉज करके या तो स्क्रीनशॉट लेकर, ठीक है। दूसरा है कृपण, तो आंसर लिखेंगे कंजूस, और कृपाण का लिखेंगे छोटी तलवार। तीसरा है स्वेद, स्वेद का लिखेंगे सफ़ेद, और दूसरा है स्वेद, स्वेद का लिखेंगे पसीना यहाँ पर। चौथा है पवन, पवन का लिखेंगे वायु, और पावन का लिखेंगे पवित्र। पांचवा है वस्तु, वस्तु का लिखेंगे चीज, और वास्तु का लिखेंगे भवन। छठा है वर्ण, वर्ण का लिखेंगे घाव, और लिखा है वर्ण, वर्ण का लिखेंगे रंग। छठा है शोक, शोक का लिखेंगे दुख, और शोक का लिखेंगे विशेष रुचि। आपको यहाँ पे दिया गया है, सातवां दिया गया है दमन, दमन का लिखेंगे दबाना, और दामन का लिखेंगे आंचल, ठीक है। ये आपके आंसर से, यानी कि यहाँ पर दूसरा जो आपका था भिन्नार्थक शब्द लिखना था, सॉरी भिन्नार्थक शब्द के अर्थ लिखने थे। सबके आंसर्स मैंने बता दिए आठों के, ठीक है। वीडियो को पॉज करके तो स्क्रीनशॉट ले लेके आप लोग आंसर लिख लीजिएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको अभिव्यक्ति से दिया गया, तीसरे का अ है वर्तमान कृषक जीवन की व्यथा, इस कथन पर अपने विचार लिखिए। ये आपके आंसर है, भारत एक कृषि प्रधान देश है, यहाँ आज भी अधिकांश लोग कृषि पर ही निर्भर है करते हैं। हमारे देश का कृषक कर्ज में ही जन्म लेता है और जिंदगी भर कर्जदार ही बना रहता है। कभी खाद के लिए, कभी बीज के लिए, और कभी बीमारी के इलाज के लिए कृषकों को जब 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 तब महाजनों से कर्ज लेना ही पड़ता है। कृषक को हर ऋतु में काम करना होता है, चाहे कितनी ही गर्मी हो, वर्षा हो या सर्दी हो। गर्मी की तपती धुपरी में जब अन्य लोग छाया और हवादार स्थानों में विश्राम करते हैं, उस समय कृषक खेत में काम कर रहा होता है। वर्षा के समय भी उसे खेतों में कभी गोदाई गोराई व कभी निराई करना होता है। कड़ाके की सर्दी में वह रात को खुले खेतों में फसल की चौकासी करता है। कृषक अपना खून पसीना एक करके अन्न उपजाता है, जो दूसरों को अन्न देता है। वह स्वयं बहुत अधिक की कामना नहीं करता, बस चाहता है कि उसके परिवार को भरपेट भोजन मिल जाए। अधिकतर कृषकों का स्वास्थ्य दिनों दिन गिरता जाता है, और अंत में बीमारी और भुखमरी का शिकार होकर वे दुनिया से कुछ कर जाते हैं। हालांकि भारत सरकार किसानों के लिए अनेक प्रकार की योजनाएं चलाती रहती है, परंतु यह सरकारी मदद किसानों तक पहुँच ही नहीं पाती। तो ये इसका आंसर है, लिख लीजिए, ठीक है। वीडियो को पॉज करिए, स्क्रीनशॉट लीजिए या लिख लीजिए, ठीक है। मैंने स्क्रीन भी क्लियर कर दिया। आ है ईमानदारी और कर्तव्यनिष्ठा सफलता के सोपन है, इस विषय पर अपने मत लिखिए। इसका आ का आंसर है ईमानदारी और कर्तव्यनिष्ठा सफलता के सोपन। ईमानदारी और कर्तव्यनिष्ठा व्यक्ति को सभी परेशानियों से मुक्त और निडर बनाती है। ईमानदार और कर्तव्यनिष्ठ होना आपस के लोगों का विश्वास, खुशियों व आशीर्वाद जैसी बहुत सी चीज़ें प्राप्त करने में एक व्यक्ति की मदद करता है। आज की दुनिया छल, कपट, झूठ और फरेब की दुनिया है। अनेक लोग ईमानदारी, कर्तव्यनिष्ठा जैसे गुणों के स्थान पर छल, फरेब, धोखाधड़ी, बेईमानी को अधिक महत्व देते हैं। वे अपनी धूर्तता को कूटनीति का नाम देते हैं। वे नहीं जानते कि जीवन में ईमानदारी और कर्तव्यनिष्ठा का बहुत महत्व है। झूठ और कपट का भंडाफोड़ एक न एक दिन अवश्य होता है। लोगों को एक बार धोखा दिया जा सकता है, लेकिन चालाकी से उन्हें बार बार मूर्ख बनाना कठिन है। आज वही व्यक्ति उन्नति कर सकता है जिसके कार्य आधार ईमानदारी हो, जिसका चरित्र बेदाग हो। कोई भी व्यक्ति यदि पूरा ईमानदारी व कर्तव्यनिष्ठा के साथ कार्य करे तो उच्चतम
पद पर पहुंचने से कोई नहीं रोक सकता। कई ऐसे लोग होते हैं जो घटिया दर्श के उपायों के द्वारा कम समय में धन तो कमा लेते हैं, परंतु समाज में उन्हें प्रतिनिष्ठा नहीं मिल पाती। यानी कि यहाँ पर आपको बोला है, अगर आपको सफलता पाना है तो आपको हमेशा ईमानदारी से चलना पड़ेगा, ठीक है। ईमानदारी और जिसके अंदर कर्तव्य निष्ठ, यानी कि जितनी सारी चीज़ एकदम ईमानदारी, टाइम टू टाइम करना, तो तभी वो इंसान उच्चतम यानी कि बहुत ऊंचे तक पहुंच सकता है, यानी उसकी जो कामयाबी है अच्छे से हो सकती है, ठीक है। और आप तो जानते हो कि आजकल का जो ज़माना है वो धोखाधड़ी का होता ही होता है, फरेबी तो होता ही है। अगर किसी को एक काम करवाना हो, अगर एक डॉक्यूमेंट नहीं हो, तो सोचो कितने रिश्वत ले लेते लोग। तो आपको ऐसा नहीं बनना है, आपको अच्छे बनना है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको पाठ पर आधारित लघु गत्री प्रश्न दिया गया, चौथे का अ है। रूपक के आधार पर प्रेमचंद जी की साहित्यिक विशेषताएं लिखिए। तो आंसर लिखेंगे युग प्रतिवर्त। प्रेमचंद जी की साहित्य एवं तत्कालीन समाज और इतिहास बोलता है। इनकी रचनाएं ग्रामीण जीवन की झांकियों से अतप्रोत है। उनमें शिक्षा, शोषण, शोक, हर्ष, मोह, लिप्सा का अत्यंत सजीव चित्रण हुआ है। इनका दृष्टिकोण सर्वत्र मानवतावादी था। प्रेमचंद जी की शैली अत्यंत आकर्षक था। धार्मिक होगा, यहाँ पे मार्मिक लिखा हुआ है, धार्मिक होगा, धार्मिक है। अपने उपन्यासों में उन्होंने मजदूर और किसान से लेकर पूंजीपतियों तक के ऐसे स्वाभाविक चित्र उपस्थित किए हैं कि समाज का वास्तविक रूप सामने आ जाता है। समाज सुधार संबंधी समस्याओं को सामने रखकर उन्होंने इनका सही हल खोजने का प्रयत्न किया है। मुंशी प्रेमचंद एक क्रांतिकारी लेखक थे। प्रेमचंद शताब्दियों से पद दलित अपमानित पोषित कृषकों की आवाज़ थे। पर्दे में कैद पद पद पर नारी जाति की महिमा के जबरदस्त वकील थे। गरीबों और बेकसों की के मसीहा थे। सो यहाँ पे आपको मुंशी प्रेमचंद जी के बारे में बताया गया है, ठीक है। तो ये आपके आंसर से लिख लीजिए। अ है। पाठ के आधार पर ग्रामीण और शहरी जीवन की समस्याओं को रेखांकित कीजिए। तो ये आपके आंसर से पहले लिखेंगे ग्रामीण जीवन। भारत गांव का एक देश है, जहाँ की अधिकतम जनता आज भी गांव के में निवास करती है और कृषि कार्य से जुड़ी हुई किसानों की बड़ी दयनीय स्थिति है। वह सदैव कर्ज के बोझ में दबा रहता है। गांव में आज भी मूलभूत आवश्यकताओं की कमी है। खेती के साधन हो या घर गृहस्थी का सामान, गांव वासियों को शहरों पर ही निर्भर रहना पड़ता है। यहाँ विकास की गति अत्यंत मंद है। गांव में आज भी शिक्षा का साम्राज्य है। अनेक गांव में स्कूल नहीं है, स्कूल है तो शिक्षक नहीं है। इसी प्रकार वहाँ स्वास्थ्य सुविधाओं का भी अभाव है। या तो अस्पताल नहीं है, अस्पताल है तो डॉक्टर नहीं है। परिवहन के साधनों का नित्यांत अभाव है। शहरी जीवन। पिछले कुछ दशकों में ग्रामीण और कस्बाई इलाकों में रहने वाले लोग रोजगार की तलाश में बेतहाशा शहरों की ओर प्लान कर रहे हैं। शहरों में आवास की समस्या दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। वहाँ दर्ड बेनुमा मकानों की भीड़ बढ़ती जा रही है। जिधर दृष्टि जाती है, रंग बदरंग उल जलूल बेतरतीब मकान ही मकान दिखाई पड़ते हैं। बिजली, पानी, सीवर, सड़क और परिवहन प्रणाली की कमी है। शहर कूड़े का ढेर बनते जा रहा है। बड़े पैमाने पर वाहनों से होने वाले प्रदूषण, लगातार होने वाला शोर, भीड़, धुआं सहज महसूस करता है। देर रात तक ऑफिस दुकानें खुली रहती हैं। बस, ट्रेन, टैक्सियां, स्कूटर सड़कों पर दौड़ते रहते हैं। भीड़ भाड़, ट्रैफिक जाम और अपराध नगरों में रोज की बात है। तो ये फर्क है, सॉरी, ये डिफरेंस है दोनों के अंदर, ग्रामीण जीवन और शहरी जीवन। आपको बोला था कि पाठ के आधार पर ग्रामीण और शहरी जीवन की समस्याओं को रेखांकित कीजिए। तो उसका आंसर जो आ था हमारा, उसका आंसर ये है। आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब आपका नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है साहित्य संबंधी सामान्य ज्ञान। पांचवा है जानकारी दीजिए। और है डॉक्टर सुनील केशव देवधर जी की लिखित रचनाएं। इसका आंसर लिखेंगे, नंबर एक मत खींचो अंतरेखाएं काव्य संग्रह, दूसरा है मोहन की महात्मा, तीसरा है आकाश में घूमते शब्द रूप संग्रह, और चौथा है संवाद अभिशेष है, और पांचवा लिखेंगे संवादों के आईने में साक्षात्कार है, ठीक है। डॉक्टर सुनील केशव देवधर जी की जो लिखित रचनाएं हैं ये पांचों है, ठीक है। तो आप उनके आंसर्स लिख लीजिए। आ दिया गया है रेडियो रूपक की विशेषताएं। इसका आंसर लिखेंगे, रेडियो एक श्रव्य माध्यम है। रेडियो रूपक विधा का विकास नाटक से हुआ है। इसका मंचन अदृश्य होता है। इसका क्षेत्र अत्यंत विकसित है। दृश्य अदृश्य जगत के किसी भी विषय, वस्तु या घटना पर रेडियो रूपक लिखा जा सकता है। यह ध्वनि और संगीत का समान्वित रूप है।
क्योंकि इसे केवल सुना जा सकता है। इसकी प्रस्तुतिकरण का ढंग रोचक, सहज, प्रवाहमयी तथा संवादमातक होता है। तो ये इसका आंसर है, लिख लीजिए, मैंने हाईलाइट कर दिया। छठा क्वेश्चन आपको दिया गया है कि कोष्टक में सूचनाओं के अनुसार काल परिवर्तन करके वाक्य फिर से लिखिए। यानी कि देखो, आपको यहाँ पे कॉस में दिया गया है सामान्य वर्तमान काल, यानी कि इन वाक्य को सामान्य वर्तमान काल में आपको पहले चेंज करना, फिर उसको यहाँ पर लिखना इस लाइन पर। ठीक है, चलिए आंसर बताती हूँ मैं। पहला आपको दिया गया है आंसर, सॉरी क्वेश्चन, मछुआ नदी के तट पर पहुंचा, सामान्य वर्तमान काल। तो आंसर लिखेंगे, मछुआ नदी के तट पर पहुंचता है। दूसरा है, एक बड़े पेड़ की छाँव में उन्होंने वास किया, अपूर्ण वर्तमान काल। तो आंसर लिखेंगे, एक बड़े पेड़ की छाँव में वे वास कर रहे हैं। तीसरा है, आदमी यह देखकर डर गया, पूर्ण वर्तमान काल। तो आंसर लिखेंगे, आदमी यह देखकर डर गया था। यहाँ पे है को कट करके था लिखेंगे, ठीक है, सॉरी वर्तमान काल है ना, मैं भूतकाल में पहुंच गई, तभी मेरे को डाउट हो रहा था। सॉरी, इसका आंसर लिखेंगे, आदमी यह देखकर डर गया है, यही आंसर है इसका। ठीक है, तीसरे का। चौथा है, वे वास्तविकता की ओर अग्रसर हो रहे हैं, सामान्य भूतकाल। तो आंसर लिखेंगे यहाँ पर, वे वास्तविकता की ओर अग्रसर हुए। पांचवा है, उन लोगों को अपनी ही मेहनत से धन कमाना पड़ता है, अपूर्ण भूतकाल। आंसर लिखेंगे, उन लोगों की अपनी ही मेहनत से धन कमाना पड़ रहा था। छठा है, बब्बन उन्हें सलाम करता है, पूर्ण भूतकाल। तो यहाँ पे लिखेंगे, बब्बन ने उसे सलाम किया था। यहाँ पे बहन लिख गया है, बहन को कट करके लिखेंगे, बब्बन ने उसे सलाम किया था, जो कि आपके छठे का आंसर है। सातवां है, हम स्वयं ही आपके पास आ रहे थे, सामान्य भविष्यकाल। आंसर लिखेंगे, हम स्वयं ही आपके पास आएंगे। आठवां दिया गया है, साहित्यकार ने अपनी सामयिक वातावरण से प्रभावित हो रहा है, सामान्य भूतकाल। आंसर लिखेंगे, साहित्यकार अपने सामाजिक वातावरण से प्रभावित हुआ। नवा है, आकाश का प्यार मेघों के रूप में धरती पर बरसने लगता है, पूर्ण वर्तमान काल। इसका आंसर लिखेंगे, आकाश का प्यार मेघों के रूप में धरती पर बरसने लगा है। दसवां है आपका, आप सबको जीत सकते हैं, सामान्य भविष्यकाल। आंसर लिखेंगे, आप सबको जीत सकेंगे। ठीक है, आपके 10वें का आंसर लिख लीजिए। तो यहाँ पर आपके सारे क्वेश्चन जो है खत्म होते, कलम के सिपाही के अंदर जितने भी क्वेश्चन दिए गए थे स्वाध्याय में, सारे क्वेश्चन के आंसर हमने आपको बता दिए। ठीक है, तो यहाँ पर वीडियो को एंड करते हैं, और आप सबसे रिक्वेस्ट है कि चैनल पे नए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, और वीडियो को जितना हो ना उतना शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ, ताकि उनको सारे क्वेश्चन के आंसर मिले। ठीक है, और प्लीज़ आपको कोई डाउट रहता है तो कमेंट में पूछ लिया करें, और अच्छे से पूछे ताकि मुझे भी समझ में आए। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय एंड टेक केयर। और हाँ, जाते जाते बोलिए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कीजिएगा, वहाँ आपकी हेल्प के लिए ग्रामर के वीडियोस अवेलेबल है। ठीक है, चलिए, अब बाय एंड टेक केयर।